हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो हम लोगों ने देखा था कि एडोलेसेंस कौन सी एज होती है, ये पार्ट 2 है एक्चुअली। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 बना चुके हैं इस चैप्टर का, तो पार्ट 2 में हम लोगों को एडोलेसेंस वगैरह के बारे में, पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि एडोलेसेंस क्या, कौन सी एज होती है जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, मतलब जो लगभग 12 से लेकर के 12 से बड़ी वाली, 12 से 19 वाली एज जो होती है ना, उसको एडोलेसेंस कहते हैं। इसमें बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं। ये सारा का सारा हम लोगों ने इसमें देख लिया था कि लड़कों की वॉइस चेंज होती है, फिर हेयर बॉडी ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, तो ये भी हम लोगों ने इसमें देख लिया था, और मेंटल इंटेलेक्चुअल ये वाला भी हो गया था कवर। अब आता है सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स। तो प्राइमरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स का हमने देखा, अब ये देखते हैं सेकेंडरी। तो इसमें बताते हैं कि चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो क्या होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो टेस्टिस किस में होते हैं, टेस्टिस होते हैं मेल्स में, और ओवरीज होती हैं फीमेल्स में। तो टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं ना, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस गैमीट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। तो जो टेस्टिस होते हैं ना, वो मेल में होते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल में वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज होती हैं वो ओवा प्रोड्यूस करती हैं। गर्ल्स में क्या होता है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, और ओवरीज ओवा या फिर एग प्रोड्यूस करती हैं। गर्ल्स के जो हैं वो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है जब वो प्यूबर्टी हिट करती हैं, और एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर्स। बॉयज़ के देखा होगा दाढ़ी वगैरह आने लगती है, दैट इज़ मस्टेशेज एंड बियर्ड। तो दाढ़ी मूछ वगैरह आने लगती है। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स। तो ये सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स होते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है इनसे कि ये कोई मेल है या फीमेल है, उससे हम लोग को समझ में आ जाता है। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। बॉय लड़के जो होते हैं उनके क्या होते हैं, छाती पर बाल आने लगते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोथ अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइस और द प्यूबिक रीजन। तो जो थाइस के बीच में जो रीजन होता है, और आर्म्स में, और पूरी ओवरऑल बॉडी पे भी जो है ना, बाल ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं, मतलब 11-12 की एज के बाद। तो भूजो और पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो अब प्यूबर्टी का जो टाइम आता है, भूजो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या होता है बॉडी में जो ये सब चेंजेस आते हैं। तो बताते हैं द चेंजेस विच अकर एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। तो जो एडोलेसेंस के टाइम पे जो बॉडी में बदलाव आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, वो हमारी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं उनकी वजह से आते हैं। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सेक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कुछ सेक्रीशंस होते हैं। सेक्रीशंस का मतलब हमारी बॉडी में ना, देखिए क्या होता है ना कि काफ़ी सारे ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो हॉर्मोन्स बनाते हैं। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, आपसे सिंपल सा पूछा जाए तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, और दीज आर सेक्रीशंस फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में ही एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, उसमें से ये सेक्रीट होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंड में से सेक्रीट होते हैं। मेल हॉर्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो मेल हॉर्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो बॉडी में लड़कों की जब प्यूबर्टी हिट हो जाती है ना, 10 से 12 साल की एज में, या उसके 12 की एज के बाद मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनने लगते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, इसकी वजह से ही एक लड़के के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। तो मतलब बाल और वो सब ना, तो ये सारे के सारे चेंजेस टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। एग्जाम्पल के लिए द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और द एस्ट्रोजन। तो आपको ये याद रखना है कि मेल्स में जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है प्रोगेस्टेरोन, या फिर हम उसको एस्ट्रोजन। प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पे आपको एस्ट्रोजन के बारे में बताया गया है। आपको फिलहाल माइंड में ये रखना है कि एस्ट्रोजन फीमेल की बॉडी में होता है, और जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एक मेल हार्मोन है, एक आदमी की, एक लड़के की बॉडी में होता है। तो फीमेल का जो हार्मोन है उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप। तो जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है ना,
वो इसके एस्ट्रोजन की वजह से होता है। मिल्क सेक्रीटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और जो ब्रेस्ट होते हैं उसके अराउंड क्या होता है, जो मतलब जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो मदर अपने बेबी को दूध पिलाती है, तो वो इसी की वजह से होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं ये मिल्क के सेक्रीशन में, दूध बनाने में हेल्प करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सेक्रीटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारे के सारे जो हार्मोन सेक्रीट हो रहे होते हैं ना, ये सेक्रीट हो रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सेक्रीटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में एक होता है पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उसमें से ये सेक्रीट हो रहे होते हैं। तो आपको ना बेसिकली देखिए, आपको पता है ना वायु में रट्टा बहुत लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जब आप एक बार याद करेंगे फिर कोरिलेट करेंगे, उसके बाद आपको चीज़ें अच्छे से समझ भी आएंगी। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। तो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करने में हार्मोन्स का क्या रोल होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज्ड हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, फिर उसमें से रिलीज होते हैं हार्मोन्स, तो फिर वहाँ से रिलीज होते हैं और ब्लड स्ट्रीम से हर चीज़ हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ब्लड की हेल्प से होती है। तो ब्लड स्ट्रीम से क्या होते हैं, वो टारगेट साइट पर, मतलब जहाँ उसे पहुँचना होता है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन। तो जो टारगेट साइट होती है वो हार्मोन की तरफ को रिस्पॉन्ड करती है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, काफ़ी सारे डक्टलेस ग्लैंड जिसमें कोई डक्ट नहीं होता, तो देखेंगे अभी, है ना। तो काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो टेस्टिस और ओवरीज जो होती है ना, वो सेक्स हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, है ना। हमने एग्ज और स्पर्म देखा था। यू मस्ट हैव यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स। तो जो एस्ट्रोजन हो गया, प्रोगेस्टेरॉन हो गया, वो हमारी बॉडी में मेल और फीमेल की बॉडी में अलग अलग करेक्टर्स प्रोड्यूस करने का काम करती है। फर्दर सेक्स हॉर्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं प्रोगेस्टेरॉन, टेस्ट्रो, है ना, प्रोगेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, और तो ये क्या होते हैं, प्रोगेस्टेरॉन आपकी बुक में फिलहाल बताया नहीं गया ना, तो आप लोग एस्ट्रोजन को ही ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। तो इसमें हम लोग को कि हमारी जो बॉडी में सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो इन हार्मोन्स की वजह से ही आती हैं, और ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी सेक्रीट्स मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म इन फॉर्म इन द टेस्टिस। तो जो पिट्यूटरी सेक्रीट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उससे हार्मोन सेक्रीट होते हैं, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर। तो इसमें से एक जो ओवा होता है ना फीमेल की बॉडी में, उसको वो मैच्योर होता है इन द ओवरीज। तो ओवा कहाँ पर मैच्योर होता है, कहाँ पर वो रहता है जब तक वो पूरी तरीके से बन नहीं जाता, ओवरीज में रहता है। और स्पर्म जो है वो कहाँ रहता है, स्पर्म रहता है टेस्टिस में। तो हम लोगों को पूरा बताया गया, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो प्यूबर्टी जो आती है वो हार्मोन्स की पूरी तरह से कंट्रोल होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस को मेल्स में, ओवरीज को फीमेल्स में, रिलीज करने के लिए टेस्टोस्टेरॉन। देखिए टेस्टिस, टेस्टोस्टेरॉन सिंपल है ना, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरॉन होता है मेल्स में होता है, ओवरीज से एस्ट्रोजन होता है लड़कियों में, फीमेल्स में। फिर ये जो है हमारे ब्लड की, जो मैंने पढ़ाया था ना उसकी समरी है ये एक तरह से। तो ब्लड स्ट्रीम में पहुँचते हैं टारगेट साइट पर जहाँ उन्हें पहुँचना होता है, फिर उसके बाद प्यूबर्टी आ जाती है और ये बदलाव बॉडी में आने लगते हैं। अब है पहेली और भुजो। हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मेक्स द बिगनिंग मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो बॉडी में रिप्रोडक्टिव पीरियड इंसान जो है यंग वंस को बर्थ दे सकता है जब वो प्यूबर्टी हिट कर लेता है उसके बाद। अब बताया गया है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन की लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव फेज, देखिए एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। एडोलसेंट्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगेन टू प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो स्पर्म और ओवा बनाने लगते हैं, तो क्या कर सकते हैं वो मतलब बेबी को बॉर्न कर सकते हैं। तो एडोलसेंट जो हैं, जब उनके टेस्टिस लड़कों की बॉडी में ओवरीज सही से गैमेट्स बनाने लगती हैं, तो वो पूरी मतलब मैच्योर हो जाते हैं। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। तो फीमेल जो है, इसमें यह है कि जो गैमीट्स होते हैं ना, जो फीमेल और फीमेल गैमीट होते हैं, फीमेल गैमीट कम टाइम के लिए रहता है बॉडी में एग एज कम्पेयर टू जो मेल के स्पर्म्स होते हैं। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज
ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी. तो फीमेल्स में 10 से लेकर के 12 साल तक की एज में वो शुरू हो जाता है, और जनरली 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक ही एक जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, मतलब बेबी को बॉर्न कर सकती है. मतलब 12 साल की लगभग उम्र से लेकर के, आप 10 मान लीजिए, 10 से लेकर के 50 साल तक, तो यानी कि 40 साल तक ही एक जो औरत है वो माँ बन सकती है. और ओवा जो है वो मैच्योर होने लगता है ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. तो जो प्यूबर्टी के टाइम होता है ना, तो ओवा क्या होने लगता है, मैच्योर होने लगता है. वन ओवा मैच्योर एंड इज रिलीज्ड वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days. सो 28 to 30 days में एक बार जो है एक एग फीमेल की बॉडी में रिलीज होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटरस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगेन टू डेवलप. तो ये जो 28 to 30 days का जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें क्या होता है, एक ओवा रिलीज होता है, एग रिलीज होता है. तो जो फीमेल का यूटरस होता है, फीमेल की बॉडी में एक यूटरस होता है जो मेल की बॉडीज में नहीं होता है, मतलब वो काम नहीं करता है. तो यूटरस जो है वो फीमेल की बॉडी में होता है, वो एग को रिसीव करता है, और यूटरस जो है ना वो थिक हो जाता है, मतलब इसकी जो लेयर होती है ना काफ़ी मतलब मोटी हो जाती है, ताकि वो एग को रिसीव कर सके. अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वही एग अगर स्पर्म से मीट कर जाता है तो बेबी बॉर्न हो जाता है. ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था. और इससे दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लिनिंग ऑफ द यूटरस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल आर शेड ऑफ. तो अगर जो फीमेल की बॉडी में अंडा बना है, एग बना है, वो अगर मेल के स्पर्म से मीट नहीं करता है ना, तो क्या होता है, वो एग टूट जाता है और यूटरस की जो लिनिंग होती है ना वो भी उसके साथ वजाइना से, बॉडी से बाहर निकलती है. तो इसी को मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स कहा जाता है. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन विमेन एंड विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30. तो 28 से लेकर के 30 दिन के बाद, लगभग एक महीने के बाद जो है वो पीरियड्स हर मंथ एक फीमेल बॉडी जो कि लगभग 12 से 13 से लगभग 50 साल की एज तक मेंस्ट्रुएशन होता है, उस एज में वो बेबी को बॉर्न कर सकती हैं. वंस इन अबाउट 28 to 30 days द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट्स टर्म्स एंड मेनाक्सी. अब देखिए ये जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो लगभग एक महीने में आता है, तभी तो पीरियड्स बोलते हैं कि बार 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 हर महीने होते हैं. तो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी. जब प्यूबर्टी किसी मतलब फीमेल की हिट करती है तो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो तब होता है जब प्यूबर्टी उसकी रीच कर जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क, ठीक है. और फिर जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसको हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं. मीनोआर्क और मीनोपॉज. मीनोआर्क मतलब वो स्टार्ट हो रही है प्यूबर्टी, और मीनोपॉज 45 से 50 की एज में मीनोपॉज हो गया है, अब मेंस्ट्रुएशन बंद हो गए हैं. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर. तो कई बार तो जब इनिशियली जब स्टार्ट होती है पीरियड्स होने, तो कई बार 28 दिन में हो रहे हैं, 30 दिन में हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम में हो रहे हैं, क्योंकि इरेगुलर रहते हैं, बॉडी को आदत नहीं होती है. धीरे धीरे वो सही टाइम पे रेगुलरली होने लगते हैं. तो इसमें यही है, पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन लास्ट फ्रॉम मेनार्क टू मेनपॉज. तो हाँ बिल्कुल सही बात है, मेनार्क टू मेनपॉज से तक ही एक फीमेल एक बेबी को बॉर्न कर सकती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स. तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये भी हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है. साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटराइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. तो साइकिल कैसी होती है इसकी, तो एग जो है वो मैच्योर हो रहा है, और फिर एग रिलीज हुआ, फिर वो ठीक है मैच्योर हो गया, और यूटरस की जो लिनिंग है वो थिक हो जाती है, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो वो फूट जाता है और जो है बॉडी के बाहर ब्लीडिंग के फॉर्म में निकल जाता है. इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज्ड, इट बिकम्स टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 9. तो फिर अगर वो मीटिंग हो जाती है तो फर्दर डिवाइड होता जाता है और एक बच्चा बन जाता है, एक बेबी पूरा वो बन जाता है. अब आता है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड. तो बेबी जो होता है, बच्चा लड़का होगा लड़की होगी, ये किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है. तो ये पहली सोचिए, आई हैव हर्ड माई मदर एंड माई कज़न आर टॉकिंग अबाउट माई कज़न हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी. तो इसकी एक कज़न है, उसका बच्चा होने वाला है, और वो डिस्कस कर रहे हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगा. आई वॉन्डर वॉट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप ईदर इंटू अ बॉय और अ गर्ल. तो ये सोचिए कि भाई लड़का होगा लड़की होगा, एक अंडा एक एग लड़का लड़की कैसे बन जाता है. तो यही हमें बताया गया है, और ये चीज़ जो है वो क्रोमोजोम्स पर डिपेंड करती है कि कौन सा क्रोमोजोम होगा उस पर. तो देखिए क्या होता है ना,
इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट. फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जिसने जिस एग ने स्पर्म से मीट कर लिया है उसको फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं या तो हम जायगोट बोलते हैं. इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी. तो उसमें ही ना जो वो एग होता है और जो स्पर्म मीट कर रहा होता है तो उसमें ही तभी हो जाता है डिटरमाइन कि लड़का होगा या लड़की होगी. दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोजोम इन द फर्टिलाइज्ड एग. तो ये जो इंस्ट्रक्शन होता है लड़का होगा लड़की होगी ये कहाँ पर होता है प्रेजेंट थ्रेड जैसा धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोजोम्स बोलते हैं इन द फर्टिलाइज्ड एग. तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना उसमें मतलब एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोजोम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग में प्रेजेंट होता है वो और उसी समय पता लगता है लड़का होगी या लड़की. तो रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. अब हम लोगों ने देखा था चैप्टर 8 में सेल पढ़ा था ना उसमें देखा था कि जो क्रोमोसोम होता है वो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है. मतलब ये सेल है इसका ये न्यूक्लियस है तो हर न्यूक्लियस में जो है वो क्या होता है क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल. तो इंसान का सेल होता है सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में ना क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हर एक ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. मतलब ऐसे जैसे कि ये एक पेयर हो गया ये दो ये तीन इस तरीके से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. टू क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स. तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है और इसमें से जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. मतलब वो बताते हैं कि मतलब लड़का है लड़के को एक्स और वाई होते हैं देखते हैं. तो जिनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स को एक्स एंड वाई बोलते हैं. अब फीमेल हैज़ टू एक्स क्रोमोसोम. फीमेल के पास ना वाई क्रोमोसोम नहीं होता. कोई लड़की है ना तो उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं क्योंकि पेयर में होते हैं तो दो होंगे तो एक्स एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं. मेल हैज़ वन एक्स एंड वन वाई. मेल के पास एक तो एक्स होता है और एक वाई होता है. तो मेल के पास एक्स वाई होता है फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही होता है. द गैमेट्स गैमेट्स कौन होते हैं गैमेट्स होते हैं एग एंड स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो इसमें एक ही सेट होता है क्रोमोसोम जो गैमेट मिला होता है ना एग और स्पर्म इसमें एक होता है और उसमें दो होते हैं. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैव्स वन एक्स क्रोमोसोम. तो जो अंडा होता है ना उसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है. बट स्पर्म्स आर ऑफ टू काइंड. स्पर्म्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक स्पर्म होता है जिसमें एक्स होता है और एक टाइप दूसरा टाइप का स्पर्म होता है जिसमें वाई. तो जो एग होता है ना उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक्स ही होता है. मतलब लड़का होगा या लड़की होगी ये किसी औरत पे डिपेंड नहीं करता ये आदमी पे डिपेंड करता है मेल पे डिपेंड करता है क्योंकि फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स है और एक्स एक्स अगर फीमेल का तो एक्स ही है अगर मेल से भी एक्स ही आ जाएगा तो क्या बॉर्न होगी तो एक गर्ल बॉर्न होगी. और फीमेल के पास तो एक्स ही है मेल से उसकी बॉडी में अगर Y क्रोमोसोम आया तो एक बेबी बॉय बॉर्न होगा. तो इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि बेबी का सेक्स क्या होगा कि वो मतलब लड़का है लड़की है वो इन्हीं क्रोमोसोम्स की हेल्प से ही डिटरमाइन किया जा सकता है. व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज द एग. तो स्पर्म है उसमें एक्स क्रोमोसोम है और वो एग से मिल रहा है जिसके पास तो सिर्फ एक्स ही होता है तो फीमेल डेवलप होगी. अगर फीमेल में तो एक्स है और मेल से वाई आ रहा है तो क्या डेवलप होगा तो एक बॉय डेवलप होता है मेल चाइल्ड. तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक्स और वाई है तो लड़का और एक्स है तो लड़की होती है. एक्स वाई है तो लड़का और एक्स एक्स है तो क्या होती है तो लड़की ही होती है. अब आता है नाउ यू नो दैट सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी. तो जो सेक्स क्रोमोसोम फादर की बॉडी में होता है ना उससे पता लगता है कि लड़का होगा या लड़की होगी. औरतों की कोई मतलब कुछ कर ही नहीं सकती औरतें तो इसमें उनके पास तो सिर्फ एक्स ही होता है. इसलिए और मैं सीरियल्स में देखा हुआ ना लड़की मतलब क्या छोड़िए हाँ तो वो मेल पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी. तो अब ये ना जो हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स जो वेरियस ग्लैंड से होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे है ना. नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कवर हो जाएगा. बड़ा चैप्टर है ना इंपॉर्टेंट भी बहुत है. तो कैसा लगा ज़रूर बताइए. अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करिए. थैंक यू सो मच.